हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेंट्रल स्कीम्स करने वाले हैं, रीसेंट की जितनी भी न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच स्कीम वॉन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023? ई गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीता है स्वामित्व स्कीम ने। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है ये, और विलेज एरियाज़ में प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए और उसकी मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया था। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर है। फुल फॉर्म क्या है स्वामित्व की? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। पंचायती राज मिनिस्ट्री की है। टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन विलेज एरियाज, और प्रॉपर तरीके से मैपिंग हो जाए प्रॉपर्टी की, ताकि फिर कोई भी इशू जनरेट ना हो। होता है ना, प्रॉपर्टी को लेकर क्लैश हो जाता है कि है किसकी एक्चुअली। तो इसी चीज़ की मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को किया गया था शुरू, और ई गवर्नेंस के लिए इसको मिला है नेशनल अवार्ड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम? ये स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नया सवेरा या फिर फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। मिनिस्टर इस समय है स्मृति ईरानी। और ये किस लिए शुरू की गई है? तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमारे यहाँ पर हैं, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए इस स्कीम को, नया सवेरा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा स्कीम। इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और क्यों दिया गया है? तो ई बस से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है? टू प्रोवाइड 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू 169 सिटीज थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पीपीपी मॉडल के जरिए इलेक्ट्रिक बसेस शहरों में प्रोवाइड की जाएंगी। व्हेन वाज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस्ड? इस योजना को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नमेंट ने इसे अभी एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जो भी जॉबलेस लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च हुई थी, 2022 तक के लिए 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद मैक्सिमम जनधन बेनिफिशरीज? तो इसमें टॉप किया है बिहार ने। जनधन बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिले हैं 2022-23 के फिस्कल ईयर में। कितने? 84,89,231 लोग। यूपी सेकेंड नंबर पर रहा है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड फर्स्ट ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इसको लॉन्च किया है आइजोल मिजोरम में, अंडर 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है NHA, ये 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें से पहला अभी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या? जितने भी प्राइवेट क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल और लैब हैं, इन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल बनाया जाएगा, ABDM इनेबल्ड किया जाएगा, और इसमें डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू द पेशेंट्स, ताकि अलग से सेंटर्स ना बनाने पड़े आयुष्मान भारत स्कीम को पूरा करने के लिए। जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट क्लिनिक, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, लैब्स हैं, उन सभी में ये सुविधा प्रोवाइड की जाए पेशेंट्स को। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम उषा स्कीम? ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पीएम उषा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसे लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हायर एजुकेशन सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू एक्सपेंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? तो कैबिनेट के द्वारा 14,903 करोड़ रुपीज़ इसके लिए अप्रूव किए गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो 5 साल का एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। कब तक के लिए? 2025-26 तक के लिए, जिसके लिए आउटले 14,903 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किया गया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 6,25,000 IT प्रोफेशनल्स को रीस्किल्ड और अपस्किल्ड किया जाएगा, और 2,65,000 पीपल विल बी ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए लोगों को भी तो सक्षम बनाना पड़ेगा, तो इसी उद्देश्य से ये जो अप्रूवल है दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर, किसके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्ट पीपल, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम का, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और इसमें 10,000 से लेकर 10,00,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट आर्टिसंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो स्टेशन की बात है तो ऑफकोर्स रेलवे मिनिस्ट्री ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूज़ में क्यों है ये स्कीम? क्योंकि अभी क्या किया गया ना, इस स्कीम के तहत ही 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इस चीज़ की फाउंडेशन स्टोन रख दी है हमारे प्रधानमंत्री ने एज पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये स्कीम रेलवे मिनिस्ट्री की है, मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, 1309 स्मॉल रेलवे स्टेशन, इनको रेनोवेट किया जाएगा, जिसमें पहला जो हम स्टेप ले रहे हैं उसके तहत 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इनकम थ्रेशोल्ड फ्रॉम 3,00,000 रुपीज टू हाउ मच फॉर EWS अंडर PMAYU? PMAYU ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके लिए 30,00,000 इनकम थ्रेशोल्ड कर दिया गया है, 6,00,000, ठीक है, 3,00,000 से बढ़ाकर 6,00,000 कर दिया गया है। किसके लिए? EWS के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च हुई थी 2015 में। एम है इसका टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज। और पहला टारगेट हमारा था कि 2022 तक हमें हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सभी के लिए, लेकिन फिर इसका टारगेट बढ़ा दिया गया था और अभी हमारा टारगेट है 2024 तक का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये स्कीम आती है। When was गोबरधन योजना launched? गोबरधन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी? 2018 में, 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। गोबरधन स्कीम की बात करें तो गोबरधन जो है इसमें गोबर की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर यह आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू बायोगैस, CBG एंड CNG, ठीक है, काऊ डंग और एग्री रेजिड्यू जो होता है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है हमारे प्रधानमंत्री, तो इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी। आउटले इसके लिए कितना है टोटल? 1,00,000 करोड़। एम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है, टू कर्ब क्रॉप डैमेजेस, टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स, टू इंक्रीज फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, टू सपोर्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ मेजर इसके एम है, ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है उसको इस तरीके से बनाना ताकि हमारे जो क्रॉप डैमेज है उनको कम किया जा सके और उसकी वजह से जो जो हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उनको कम कर सकें। मिष्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मिष्टी जो है इसमें एम का मतलब मैनग्रोव है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैनग्रोव से संबंधित है, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो क्या हुआ था रिसेंटली, दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, एक वेटलैंड्स के लिए और दूसरी मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए। मैनग्रोव के लिए मिष्टी स्कीम थी ताकि कोस्ट लाइन के चारों तरफ अलोंग द कोस्ट लाइन हम मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दे सकें, इसको कर सकें। और दूसरी स्कीम थी वेटलैंड्स के लिए जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना फॉर कंजर्विंग रामसर साइट्स, रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए अमृत धरोहर योजना, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सागर समृद्धि इनिशिएटिव? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखिए, सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है टू एक्सेलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। एम क्या है? टू प्रमोट इफेक्टिव रीयूज ऑफ ड्रेज्ड मटीरियल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है? नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली लेक्स रिवर्स और हार्बर्स हमारे जो भी हैं उनके बॉटम से सेडिमेंट्स और डेब्रीज को हटाना, जो भी जमाव हो जाता है ना उनको हटाना, ये होता है ड्रेजिंग, ठीक है। तो ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया गया है इसके लिए ताकि जो भी हम वहाँ से डेब्रीज निकालेंगे उसको वेल्थ के रूप में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ को हम देख सकें। तो सागर समृद्धि। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड 100 Days 100 Pays कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स? तो इसको जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है।
100 डेज 100 पेज कैंपेन अंडर द स्कीम बैंक्स विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 7525 इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बारे में देखें तो ये इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन दैट इज़ हाई बीपी एंड डायबिटीज़। टारगेट ईयर है 2025 और लॉन्च किया है इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है 75 मिलियन लोगों के लिए है। किस लिए है? हाई बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की केयर करने के लिए 2025 तक का टारगेट है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम 1? तो ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? MSMEs के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ये क्या करेगा कि जो भी ऐसी MSMEs हैं जिन्हें COVID-19 पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुआ है उनको असिस्ट करेगा। MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हमारी मिनिस्टर कौन है? एंड निर्मला सीतारमन है। और लॉन्च ईयर 2023 अनाउंस किया गया था 2023-24 के बजट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? तो ये जो कैंपेन है स्मृति जुबैन ईरानी के द्वारा, इसको स्मृति जुबीन ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन एजुकेशन अलोंग विथ न्यूट्रिशन अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये कैंपेन जो है कौन से मिशन के तहत है? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये फोकस करेगा ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट आंगनवाड़ीज। लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने, जो कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और आंगनवाड़ी की बात हो रही है, देखिए करंटली कितनी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो 13.9 लाख हैं प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड अर्ली केयर एंड एजुकेशन। When was the अटल पेंशन योजना launched? इस स्कीम को, अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने, अटल पेंशन योजना ने 5.2 करोड़ एनरोलमेंट सरपास किए हैं। स्कीम की बात कर लेते हैं, 2015 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी कोलकाता से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इस योजना के सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं वो 1,000 से 5,000 रुपये उनको मिलते हैं पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। अच्छा, कुछ और बात करें इसके बारे में, तो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, कितनी एज के लोग सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं? तो 18 से 40 एज के जो लोग हैं, ये एज का एक लिमिट दिया हुआ है कि 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब 18 से 40 आप पैसे डालेंगे इसमें, 60 के बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 1,000 से 5,000 रुपये मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? 1,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये खुद चूज़ करना होता है, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबर है उसे खुद चूज़ करना होगा कि मुझे 1,000 वाला चाहिए, 2,000 का चाहिए, 3,000 का चाहिए, 4,000 या फिर 5,000। और फिर जितना भी मैं चूज़ करूँगी उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रीमियम भरना होगा। इसीलिए प्रीमियम जो इसका है सेम नहीं होता। बाकी हम देखते हैं ना, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें प्रीमियम होता है 436 रुपये और सबको इतना ही भरना होता है जो भी उसमें एनरोल करेगा। लेकिन इसमें प्रीमियम अलग अलग है, रीज़न यही है कि हमें जो चाहिए बाद में पेंशन वो खुद चूज़ करनी है। तो मान लीजिए कोई 1,000 चूज़ कर रहा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, कोई 5,000 चूज़ कर रहा है तो उसका कम होगा। और सभी को एटलीस्ट 20 साल तक तो कंट्रीब्यूशन करना ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 18 साल की एज है, तो आप 20 साल तक कंट्रीब्यूशन कीजिए, फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, 60 के बाद अपना पेंशन लेनी शुरू कर दीजिए। अगर मैंने 40 साल में किसी ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, 40 साल में एनरोल किया है किसी ने, तो 20 साल तक वो करेगा उसमें कंट्रीब्यूशन, 60 से उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए 18 से 40 रखा गया है ना, और 60 साल के बाद मिलनी शुरू होगी, तो 20 साल का गैप रखने का यही रीज़न है। समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च? तो ये जल जीवन मिशन जो है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो हैं इन्हें प्रोवाइड किया गया है सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर। इस मिशन की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
और एम है बाय 2024 टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाना, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। बाकी यहाँ पर अगर देखें हर घर जल स्टेट या फिर यूटी जो 100% कवरेज जहाँ पर हो चुका है वो है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। ये स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जहाँ पर 100% कवरेज हो चुका है। हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। तो ये जो स्वच्छ शहर कैंपेन है इसको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर लाइफ, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का, टू प्रमोट 3R मंत्रा। ये 3R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो हम पढ़ते हैं स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें। तो थाउजेंड्स ऑफ RRR सेंटर्स सेटअप फॉर द लाइफ कैंपेन। लाइफ कैंपेन क्या है, COP26 जो हुआ था उसमें हमारे PM ने ये वाला कैंपेन मतलब लाइफ जो है ये थॉट दिया था। एक लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। मतलब कितने रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के लिए, और PLI स्कीम किसके लिए, IT हार्डवेयर के क्षेत्र में PLI के लिए। तो इसके लिए दिए गए हैं 17,000 करोड़ रुपये PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। PLI क्या है, PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। 6 साल के लिए अप्रूवल दिया गया है, 17,000 करोड़ दिए गए हैं। ये कवर करता है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। इंडिया की बात करें, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन्स का। ठीक है, अब यहाँ पर PLI स्कीम के बारे में बात की गई है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसकी फुल फॉर्म है। इंट्रोड्यूस किया गया था इसे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो गई है। एम क्या है, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू रिड्यूस एंड टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनना है तो खुद हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा चीज़ों का, और उस प्रोडक्शन के लिए कैसे किया जाएगा, तो वही स्कीम PLI के तौर पर की गई है। तो और फिर बजट 2021-22 में टोटल 1.97 लाख करोड़ रुपये अनाउंस किए गए थे PLI स्कीम के लिए फॉर 14 की सेक्टर्स। और ये की सेक्टर्स कौन से हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस के लिए ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सोलर PV मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, बैटरी एंड ड्रोन्स। ड्रोन्स के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। सक्षम क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर देखिए, सक्षम स्टिम्युलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, डेवलप किया है इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। सो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स। हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथू विलेज से लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये है क्या, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये जितने भी हमारे बॉर्डर विलेज हैं 4 स्टेट और 1 UT का, उनके डेवलपमेंट के लिए हैं। ये कौन से स्टेट और यूटीज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लॉन्च किया गया किबुथू अरुणाचल प्रदेश से। फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए 4,800 करोड़ रुपीज़ दिया गया है 2022-23 से 2025-26 के लिए। ये जो प्रोग्राम है शुरू किया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम। लीन स्कीम जो है ये MSME मिनिस्ट्री की है। अभी लीन स्कीम है क्या, कॉम्पिटिटिव स्कीम है बेसिकली। ठीक है, MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम है, MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय नारायण राणे। लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर MSMEs, और ये इंडियन MSMEs को हेल्प करेगी बाय बूस्टिंग देयर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी PM मित्रा पार्क्स। तो PM मित्रा पार्क्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनको बनाया जाएगा, और अनाउंस किए गए हैं कि कुल 7, पहले फेज में शुरुआती दौर में सिर्फ ये 7 PM मित्रा पार्क्स इनको बनाया जाएगा।
कौन कौन से स्टेट्स में, तो तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र, यहाँ पर इनको बनाया जाएगा। 4545 करोड़ रुपए का टोटल आउटले है इसका। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में ये लॉन्च की गई थी और एम है इसका टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। हु हैज़ लॉन्च्ड APPI इनिशिएटिव रिसेंटली? APPI बेसिकली एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के लिए यूज़ किया गया है। एपी भी आप इसको बोल सकते हैं, ये फिज वाली एपी नहीं है, स्कीम वाली है, इनिशिएटिव वाली है। इसे लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज वो जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं। एम क्या है इसका? टू प्रिवेंट जूनोटिक डिसीजेज, लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम? ये इस स्कीम को लॉन्च किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना, इसके तहत इसको शुरू किया गया है, लॉन्च किया है इसे गिरिराज सिंह ने, जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल पुअर यूथ। ठीक है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि PTP NER स्कीम? तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। यहाँ पर देखें, फुल फॉर्म तो हमें क्वेश्चन में ही देखने को मिल गई थी, PTP NER यानी कि प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, PTP NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लॉन्च किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। अर्जुन मुंडा इसके मिनिस्टर हैं अभी। एम क्या है? टू मेक स्ट्रॉन्ग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस, टू प्रमोट एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन? वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है, गिरिराज सिंह अभी मिनिस्टर हैं। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लेवलीहुड्स मिशन, इसके तहत DRLM जो है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और एम है इसका टू मोबिलाइज 10 करोड़ वीमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड एंड टू इंक्लूड दीज वुमेन इन SHGs। अभी हमारे यहाँ पर SHGs से जो कनेक्टेड महिलाएं हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, उनकी संख्या कुल 9 करोड़ है, लगभग 9 करोड़ है, और यही सरकार की अभी टारगेट है कि इनको बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं की भूमिका को। वेन वॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? ये योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी संख्या 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं, 48.70 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी बाय PM मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 6 पिलर्स पर बेस्ड है ये, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। NILP प्रोग्राम लॉन्च्ड टू कवर अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी करोड़ नॉन लिटरेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल देते हैं। NILP है क्या? सबसे पहले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसे अप्रूवल दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 से 27 तक के लिए, 5 सालों के लिए। 1037 करोड़ रुपये इसके लिए आउटले रखा गया है। और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ अलाइन इसको किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देखें तो ये कवर करेगी 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को एज ग्रुप ऑफ 15+। इट विल प्रोवाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड ऑल्सो अदर कॉम्पोनेंट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स एट्सेट्रा। इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय विच ईयर? तो इंडिया का इस तरह का एम है 2030 तक का कि हम ग्लोबल हब बन जाएंगे फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP जो है ये लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। एम है इसका ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। और साथ ही में इसके साथ लॉन्च किया गया इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इन गुरुग्राम, हरियाणा।
When was MPLAD scheme launched? MPLAD scheme बहुत पुरानी है, 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी इसलिए इसकी बात कर रहे हैं हम क्योंकि MPLADs के लिए नई गाइडलाइंस और वेब पोर्टल जो है वो इफेक्ट में आ गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। MPLAD स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म MPLAD की क्या है, MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लैड यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है कि हर एक MP को 5 करोड़ रुपए एनुअली असाइन किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ताकि वो विकास कार्यों पर अपने एरिया में खर्च कर सकें। और साथ ही कुछ क्राइटेरिया भी बताया कि किस तरह से खर्च करना है। तो MPLADs फंड जो हैं मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी हमारी जो है उसके तहत ये आती है। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, ये जो इनिशिएटिव है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो सी से रिलेटेड हो, ठीक है। सागर परिक्रमा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है। फेज़ 4 इसका लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज अ सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी। रिसेंटली ये कंक्लूड किया गया कर्नाटका में। वेन वॉज PM किसान स्कीम लॉन्च्ड, तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और PM किसान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लॉन्च किया था इसे PM मोदी ने 24 फरवरी 2019 को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम आती है। और इस स्कीम के तहत क्या होता है, फार्मर्स को 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PM कुसुम स्कीम टिल मार्च, ईयर बताना है 2026 तक, मार्च 2026 तक PM कुसुम स्कीम को सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। PM कुसुम की फुल फॉर्म देखते हैं, PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में इसे भी लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसका एम है टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026। पहले का टारगेट 2022 का तक का था, वो ख़त्म हो गया है, तो अब मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है। अचीवमेंट्स क्या है इसके ज़रिए अभी तक हमें मिली है, तो 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंप्स जो हैं वो PM कुसुम के तहत इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और मैक्सिमम सोलर पंप कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है। रीच आउट स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रीच आउट का मतलब है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इसका एम है टू प्रमोट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया टू सपोर्ट वेरियस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो आपको ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, अर्थ एंड साइंसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। जो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसका नया नाम जो है वो हमें देखने को मिलता है PMGKAY यानी कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना। 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई है ये। इसका एम है टू प्रोवाइड 5 kg फ्री फूड ग्रेन टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज। इसमें 80 करोड़ गरीब लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। और 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 लाख करोड़ इस योजना के लिए खर्च करने वाली है, स्पेंड करने वाली है। और अगर हम बात करें ये स्कीम शुरू कब हुई थी, तो कोविड के टाइम पर इसको शुरू किया गया था फ्री राशन बांटने के लिए 2020 में। व्हेन वाज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च्ड, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इम्प्लीमेंट किया है TIES स्कीम यानी कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इसे इम्प्लीमेंट किया गया फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। विच स्टेट्स हिस्टोरिकल सिटीज हम्पी एंड मैसूरू हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। हम्पी कहाँ पर है, मैसूरू कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो कर्नाटक की ये दो जगह हैं जिन्हें स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में शामिल किया गया है। ये जो स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में शुरू हुई थी,
बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसका एम है टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स, जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट। निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया EPFO के द्वारा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन निधि आपके निकट 2.0 इसने फिलहाल लॉन्च किया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फॉर एम्प्लॉयज़। न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये जो है चैलेंज अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 इसे लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। और यहाँ देख लेते हैं, ये जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है AIM और नीति आयोग का, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का। इसका एम है टू सीक सेलेक्ट सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द UN इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 इनिशिएटिव। तो ये है हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको UN के द्वारा वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में अप्रूवल दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व एंड रीस्टोर नेशनल रिवर गंगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें, NMCG, ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। 12 अगस्त 2011 को इसे सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करवाया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन हैं? जी अशोक कुमार हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसका नया नाम है PM विकास स्कीम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ देख लेते हैं, PM विकास यानी कि विरासत का संवर्धन स्कीम अनाउंस किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। स्मृति ईरानी इसकी मिनिस्टर हैं इस समय। PM विकास स्कीम की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसके द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया था। इसका एम है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड आर्टिसन कम्युनिटीज। रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल, नैनीताल में रीहैब प्रोजेक्ट जो है ये इनॉग्रेट किया गया है मनोज कुमार के द्वारा। रीहैब प्रोजेक्ट मतलब कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज, इसे नैनीताल में लॉन्च किया गया बाय मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है? KVIC के चेयरमैन हैं, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। रीहैब प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया गया था कर्नाटका से 2021 में, और नागर होल नेशनल पार्क जो है वहाँ से बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था। ये KVIC का इनिशिएटिव है, नेशनल हनी मिशन 2017 में शुरू किया गया था, और इसी के तहत रीहैब प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। एक स्वेट रेवोल्यूशन भी है 2016 में शुरू हुआ था, ये है हनी से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। PM मोदी अनाउंस्ड PM श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मेनी स्कूल्स, तो इसमें 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात की गई है PM श्री योजना में। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड एथेनॉल सब्सिडी स्कीम टिल मार्च 2023। ठीक है, इसका आंसर होगा 2023। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष, दक्ष नाम है सुपरटेक इनिशिएटिव का और इसे लॉन्च किया है RBI ने। दक्ष ऐप जो है न्यू सुपटेक इनिशिएटिव है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया है। दक्ष क्या है? RBI का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा सुपरवाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, सुपरवाइजरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, दक्ष इनिशिएटिव। केंद्र ने किस वर्ष तक PMAY ग्रामीण जारी रखने को मंजूरी दी है? सेंट्रल अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ PMAY ग्रामीण टिल विच ईयर, तो इसका ऑप्शन है 2024, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में PM मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड करना टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। पहला टारगेट 2022 का था लेकिन अब बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। पहले भी ये स्कीम थी, इस स्कीम का नाम पहले था इंदिरा आवास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है, इसकी भी शुरुआत 2015 में, मतलब 2016 में हुई थी ग्रामीण वाले की, 2015 में अर्बन की, तो अर्बन की पहले शुरू हो गई थी। इसका एम है
टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज़ बाय 2024। इसका भी पहले टारगेट 2022 रखा गया था, अभी एक्सटेंड करके 2024 किया गया है। और मिनिस्ट्री दोनों की अलग है, यहाँ पर थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये स्कीम को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, और इसके तहत जितने भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितने भी सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें मार्केट में एक सिंगल ब्रांड के तहत उतारा जाएगा और वो ब्रांड का नाम होगा भारत। इंडिया विल हैव अ कॉमन बैग डिज़ाइन, बैग डिज़ाइन भी कॉमन होगा, लाइक भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके एट्सेट्रा। इंडिया नंबर वन पर है, मतलब कि इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अ न्यू स्कीम नेम्ड पीएम डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय, ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। पीएम डिवाइन यानी कि पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमारा, वहाँ के लिए शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा ये शुरू की जा रही है। ये 4 साल के लिए अप्रूव की गई, 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। अब पीएम डिवाइन के जरिए क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्रिएट लाइवलीहुड्स एक्टिविटीज़, ये सारे इसके तहत काम रखे गए, टारगेट्स रखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट इनिशिएटिव, वेस्ट का मतलब है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है आई स्टेम के द्वारा किया गया है। आई स्टेम क्या है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ये इनिशिएटिव जो है एम्पावर करेगा वुमेन को सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू साइंस टेक एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। आई स्टेम का थोड़ा देख लेते हैं चीज़ें, ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, इसे 2020 में शुरू किया गया था और ऑफिस ऑफ पीएसए का ये एक इनिशिएटिव है। हु हैज़ लॉन्च्ड यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम, यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। कहाँ लॉन्च किया है, यूएसए में लॉन्च किया है। सेतु का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, ये प्रोग्राम क्या करेगा, कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप, तो इंडिया के इन्वेस्टर्स को या फिर इंडिया के स्टार्टअप को यूएस के इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने का काम करेगा। व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2014 में और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 25 सितंबर 2014 को टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a global leading global manufacturing and investment destinations। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12-14% पर एनम, टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022, तो ये टारगेट तो अब पीछे मतलब चला गया है क्योंकि 2022 चला गया है। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP टू 25% बाय 2025, 2025 तक 25% योगदान GDP में इसका। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव, जेनेसिस इनिशिएटिव मेटी का है, जेनेसिस की फुल फॉर्म है जेनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत 10,000 स्टार्टअप्स को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द विच मिनिस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नमस्ते और इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नमस्ते के फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका एम है टू अचीव जीरो फैटलिटीज इन सैनिटेशन वर्क और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स, ये चीज़ें इसका एम है। हु हैज़ लॉन्च्ड डेस स्कीम, डेस योजना या फिर DACE योजना डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा शुरू की गई है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म, डेस की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, ये स्कीम लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर। लॉन्च कहाँ से हुई, BHE उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, तो ये कई सारे जैसे दिल्ली ने भी शुरू किया है तो इसी तरह से
ये भी एक स्कीम है, देश स्कीम। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड, ये लॉन्च हुई थी 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल में देखें तो 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स ये ओपन हुए हैं। टोटल लोन 18.60 लाख करोड़ ये प्रोवाइड किया गया है। स्कीम के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। कई तरह के लोन होते हैं जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण में 5 से 10 लाख का लोन दिया जाता है। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022? इसके लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 23 साल। यहाँ पर देख लेते हैं स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जनवरी 2022। किस लिए? फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन टू द 3 सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज कौन है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल पहले रखी गई थी, लेकिन फिर जो अपर एज लिमिट है उसको चेंज करके 23 साल कर दिया गया। इस स्कीम के तहत यूथ जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के लिए उनकी जॉब होगी। आफ्टर 4 ईयर्स 25% जो लोग होंगे बैच के, 25% सैनिक, उनका उन्हें वापस रिक्रूट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो वापस 25% रिक्रूट होंगे वो 15 साल के लिए होंगे। बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो 4 साल पूरा करने के बाद जब रिटायर होंगे सैनिक तो उन्हें 11.7 लाख रुपए ये मिलेंगे सेवा निधि पैकेज के तौर पर, और कोई पेंशन, इसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड इन 2022? उज्ज्वला दिवस 2022 में सेलिब्रेट किया गया 1 मई को। न्यूज़ क्या है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट 1 मई 2022 एज उज्ज्वला दिवस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला दिवस कब? 1 मई को। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई के दिन ही इसे लॉन्च किया गया था 2016 में बाय पीएम मोदी। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। और इसका एम है टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज LPG टू रूरल हाउस होल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर ये स्कीम आती है। हिमाचल प्रदेश ये बना था देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट और बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPMJAY सेहत स्कीम? ये क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। ये स्कीम के तहत पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसने 100% हाउस होल्ड को कवर किया है? ये स्कीम, ये जो डिस्ट्रिक्ट है सांबा जम्मू कश्मीर का। ये स्कीम का नाम मैंने बता दिया, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये सेहत की फुल फॉर्म है, ठीक है, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ये देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। कहाँ से? रांची से, बाय पीएम मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत यह आती है और इस स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा हेल्थ कवर दिया जाता है 5 लाख का टू पुअर फैमिली। विच स्टेट्स असेंबली बिकेम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट? तो ये स्टेट है हमारा नागालैंड, जहाँ की असेंबली बनी है पहली पेपरलेस असेंबली। इसे इम्प्लीमेंट किया गया है बाय ई विधान प्रोजेक्ट के तहत, और ई विधान जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये इसका नाम है इस वाली स्कीम का, ठीक है। नेवा, नेवा क्या है? एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर, कि देश में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिक उन्हें डिजिटल किया जाए, ठीक है, डिजिटल विधानमंडल बनाने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। इसकी थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा ये फंड किया जा रहा है। विच स्कीम है सिलेक्टेड फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसे सेलेक्ट किया गया है फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन जनरल और सेंट्रल स्कीम जो है उसकी कैटेगरी में। ये स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मिनिस्टर इस समय कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया।
हु लॉन्च स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स. स्माइल स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा. इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ये स्कीम ट्रांसजेंडर और बेगर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए शुरू की गई है. इसमें इन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योर्ड लाइफ. हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति. पीएम गतिशक्ति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है बेसिकली, और इसे लॉन्च किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने. यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं. प्रधानमंत्री गतिशक्ति, इसे लॉन्च किया पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसकी एस्टिमेट कॉस्ट रखी गई है 16 करोड़ रुपए की, और इसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको, उनकी प्लानिंग के लिए 16 मिनिस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर सरकार लेकर आएगी. सभी स्कीम्स इसमें कवर की जाएंगी जो कि 2024-25 तक कंप्लीट करनी है. जिनका टारगेट जो है 2024-25 तक है, उनको इसमें कवर किया जाएगा. गतिशक्ति के अंतर्गत इनको रखा जाएगा. ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट इमेज फॉर मॉनिटरिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेज भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी. और इसमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश की जाएगी कि इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के भी विकास के कार्य हो सकें इसके जरिए. When was PM Cares for Children स्कीम launched? ये स्कीम लॉन्च की गई 29 मई 2021 को. PM Cares for Children स्कीम PM मोदी ने 29 मई 2021 को लॉन्च की. इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19. विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने. श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज. तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है, और इसके जरिए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. इसमें एडमिशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th SC स्टूडेंट्स इन CBSE स्कूल्स ये किया जाएगा. विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? निपुण स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू की गई है. निपुण की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स. 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, इसका ये एक फ्लैगशिप स्कीम है निपुण, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है. हरदीप सिंह पुरी इस समय मिनिस्टर हैं. सेंटर पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स. इसके लिए सेंटर ने 75 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना है, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाइड फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट टू मेक दिस डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री. सिलेक्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इंडिया का टारगेट है टीबी फ्री का कब तक? 2025 तक. और WHO का टारगेट है 2030 तक. तो हमारा 5 साल पहले तक का ही है. विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम? इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है. रिपोर्ट का टाइटल क्या है? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स. नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज की है. इसमें महाराष्ट्र लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड आंध्र, थर्ड गुजरात, स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है. पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करते हैं, 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुई थी इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन. इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसका एम है टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2% एनुअली, अंडर न्यूट्रिशन बाय 2% एनुअली, एनीमिया बाय 3% एनुअली और लो बर्थ वेट बाय 2% एनुअली. विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की है, और इसके साथ में ही निमहंस के द्वारा भी लॉन्च की गई है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूट है. इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया. विच मिनिस्ट्री लॉन्च संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव? ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक इनिशिएटिव, संभव और स्वावलंबन, और किस लिए? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ.
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वनिधि से समृद्धि, ये एडिशनल प्रोग्राम है पीएम स्वनिधि का। पीएम स्वनिधि आपने देखा होगा 2020 में कोविड के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर शुरू किया गया था। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, इसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम पीएम स्वनिधि लॉन्च की गई थी। इसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि, ये लॉन्च किया गया है एडिशनल 126 सिटीज़ में। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिली इसमें कवर की जाएंगी और इसके ज़रिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। When was PM ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड? ये जो है PM ई विद्या प्रोग्राम 2020 में इसको शुरू किया गया था और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके तहत इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT का इस्तेमाल किया गया है और इस स्कीम ने जीता है यूनेस्कोज रिकॉग्निशन। ठीक है, इस प्रोग्राम की बात करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, इसे इनिशिएट किया गया है एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। मई 2020 में ये अभियान शुरू किया गया था और पीएम ई विद्या का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? ऑप्शन है पीएम विकास स्कीम, पीएम रोजगार, पीएम कर्मी या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।